हेलो बच्चा पढ़े, लेट अस कंटिन्यू विद अवर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें। इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं तो आप सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो फॉर कंपेयरिंग द बॉन्ड एंगल। ओके, तो मेक श्योर वीडियो आप लास्ट तक देखें। और बेटा मेक श्योर कि आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखें, तभी आपको केमिकल बॉन्डिंग की इस सीरीज का फायदा होगा और आपकी केमिकल बॉन्डिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे क्लासेस में लोग पढ़ाते हैं वैसे ही मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो मेक श्योर आप नोट्स भी बनाएं इनके साथ में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो बेटा, पहले तो एक चीज बात समझो कि आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। देखो, अगर सपोज आपके पास ये चार मॉलिक्यूल है, BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, ठीक है। अब सिंस बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बेटा? वेरी गुड, बोरॉन है हमारा 13 ग्रुप का एलिमेंट। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है? 3। मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 बॉन्ड। अब देखो बेटा, बोरॉन ने ये चारों केस में तीन तीन बॉन्ड बना रखे हैं, है ना, बना रखे हैं ना। अगर बेटा ये चारों केस में इन्होंने तीन तीन बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, है ना, इसका बस ये मतलब निकलता है। तो मतलब बोरॉन के पास सिर्फ तीन तीन सराउंडिंग एटम है और उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो देखो बेटा, एक केस हमेशा याद रखना है कि इफ द सेंटर एटम इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर एंड ऑल द सराउंडिंग एटम आर आइडेंटिकल, तो उन चारों के बॉन्ड एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? जितना आपको हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो बेटा, BF3, BCl3, BBr3, Bi3, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर अगर सबका ड्रॉ करें तो देखो ये इस तरह से दिखेगा, बी एफ एफ और एफ, फिर बी सी एल सी एल और सी एल, वैसे बी बी आर बी आर और बी आर, और बी आई आई और आई। देखो सबके सब कैसे हैं? ट्रायगोनल प्लेनर हैं, देख सकते हो आप, ट्रायगोनल प्लेनर हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे ट्रिक से फाइंड करोगे तो कितने आपके पास बॉन्ड पेयर आएंगे? तीन बॉन्ड पेयर आएंगे और जीरो लोन पेयर आएंगे। और तीन बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2। और sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है बेटा? वेरी गुड, sp2 के लिए ज्योमेट्री होती है हमारी ट्रायगोनल प्लेनर। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो आप जाके हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो की पहले देख लो, उसके बाद ये देखना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर सराउंडिंग एटम सारे सेम है, सराउंडिंग एटम अगर सारे सेम है, जैसे यहाँ पे चारों फ्लोरीन है, यहाँ पे चारों क्लोरीन है, यहाँ पे चारों ब्रोमीन, यहाँ पे चारों आयोडीन है, और सेंट्रल एटम के पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो उस भाई साहब का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों? क्योंकि इनमें सब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। यहाँ पे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या था? sp2। इसलिए बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको पहले याद रखना है, ये पहला कैसे, अगर सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम है सेम, सेम का मतलब अगर तीन एटम है सराउंडिंग तो तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसा नहीं, तीनों फ्लोरीन तीनों क्लोरीन तीनों ब्रोमीन या तीनों आयोडीन, तब चारों के बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री सेम। तो ये ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है। सेकेंड याद रखना है कि अगर सपोज नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मतलब कि सेंट्रल एटम जो है आपका उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बराबर नहीं है। तो मतलब पहले तो बात समझो, देखो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, हमने पहले भी फाइन बताया हुआ ये कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे जैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, और इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? वेरी गुड, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है 25%, इसमें होता है 33, इसमें होता है 50। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। तो अगर आपको परसेंटेज एस और बॉन्ड एंगल का रिलेशन नहीं समझ में आ रहा था तो मेक श्योर बेटा आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखो, बिकॉज ये सारा लिंक्ड है, ठीक है। तो अब कंपेयर कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो आप BeCl2 BCl3 CCl4। अब देखो पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सारे जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं सबके हाइब्रिडेशन फाइंड करो। तो आप मेरे वाले मेथड से अगर हाइब्रिडेशन फाइंड करोगे तो जो BeCl2 है बेटा उसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा? sp, और BCl3 का sp2 और CCl4 का sp3,
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां से यहां जाने में परसेंटेज एस्केलेटर क्या हो रहा है, वेरी गुड, बढ़ रहा है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो BeCl2 है आपका, इसका एब्रेशन आएगा sp, और sp के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, वेरी गुड, 180 डिग्री। ठीक है, वैसे BeCl3 क्या आएगा इसका, sp2, और sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, और CCl4 में हाइब्रिडेशन क्या आएगा, वेरी गुड, इसमें आएगा sp3 और आपका बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो जैसे जैसे हम यहां से यहां जा रहे हैं, देखो परसेंटेज एस्केलेटर बढ़ रहा है और बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा, BeCl2 का, सब आप BeCl3 का, फिर CCl4 का। मतलब ये कौन सा बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है बेटा, ये इस बॉन्ड एंगल की बात करता है, तो ये वाले बॉन्ड एंगल की बात करता है। ठीक है, कितना है, 180 डिग्री। BeCl3 में देखो कैसा होगा, BeCl, Cl, Cl, ये वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और CCl4 में आप कैसे ड्रॉ करोगे, CCl ऊपर एक, Cl नीचे, Cl नीचे, Cl नीचे, ये जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहला स्टेप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया, और देखो तो सराउंडिंग एटम क्या है, तीनों में सेम है। ठीक है, तो ये तब अप्लाई करना जब सराउंडिंग एटम सेम और सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंट। जैसे आप देखो NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, आप देखो इसमें क्या करेंगे, वापस से sp2 आ जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका आ जाएगा sp, इसका आ जाएगा sp3। तो सिंपल है, आपको सिंपल क्या करना है, देखो इसका आ गया sp2, मेरे वाले मेथड से फाइंड कर लेना, इसका आ जाएगा sp, इसका आ जाएगा बेटा sp3। आप देखो हमको पता है sp के अंदर परसेंटेज एस्केलेटर सबसे ज्यादा होता है, और जिसका परसेंटेज एस्केलेटर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा, तो NO2+ का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, फिर आएगा आपका NO3 नेगेटिव, और फिर आ जाएगा NH4। सिंपल है। अब केस टू क्या होता है बेटा, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, सराउंडिंग एटम आर सेम बट लोन पेयर इज डिफरेंट। मतलब सुन दो क्या बोलना चाहता है, अगर ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब कैसे कंपेयर करना, जैसे यहां पे देखो CH4, NH3 और वाटर। ठीक है, देखो बेटा CH4, NH3 और आपका वाटर। ठीक है, अब यहां देखो बेटा CH4 में जब आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करोगे तो आएगा sp3, इसमें होते हैं 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, इसमें भी आपके पास 3 बॉन्ड पेयर आएंगे सिग्मा बॉन्ड पर, 1 लोन पेयर आएगा, और इस भाई साहब का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, और इसमें होता है बेटा, ये हमने आपको दो याद रखने के लिए बोला था कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है अमोनिया में, वाटर में होता है 2 लोन पेयर, इसका भी sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड पे और 2 लोन पे। ठीक है, अगर मैं सबके स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, CH, H, H और एक H यहां पे, N लोन पे, H, H, H और एक स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एक लोन पे यहां, एक लोन पे यहां। ठीक है, अब बेटा एक बात समझो, इस पे एक्सपेक्टेड एंगल कितना था, एक्सपेक्टेड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था। सिंस यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSPRT के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। बिकॉज यहां पे कौन से टाइप की रिपल्शन प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं। पर यहां पे देखो बेटा, यहां पे तो प्रेजेंट होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास, तो इसका जो बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड था वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, बट वो होगा ही नहीं, तो इसका एक्चुअल एंगल 107 डिग्री के अराउंड कुछ आता है। यहां पे देखो बेटा, यहां पे जो रिपल्शन होगा दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो यहां पे होगा बेटा लोन पेयर रिपल्शन, तो यहां पे बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, एक्सपेक्टेड होता है 109, पर होता नहीं, कितना होता है 104 के आसपास होता है कुछ। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हो कि यहां बॉन्ड पेयर रिपल्शन CH4 में, यहां पे लोन पेयर रिपल्शन है, यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहां पे लोन पेयर। हमने बात की है कि जो हमारा रिपल्शन होता है, रिपल्शन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड एंगल का। जितना रिपल्शन बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना कम। कैसे, देखो बेटा सपोज अपने पास ये दो बॉन्ड है, ठीक है, ये दो बॉन्ड है, यहां ऊपर दो लोन पेयर है, अगर ये दो लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, ये अंदर की तरफ ऐसा बेंट होगा। बेटा अगर अंदर की तरफ बेंट होगा तो बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम,
अरे बच्चा बच्चा जानता है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है और जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है एंड जो लोन पेयर रिपल्शन होता है। सबसे बड़ा रिपल्शन, सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बेटा रिपल्शन सबसे ज्यादा किस में है? इस वाले के केस में। अगर रिपल्शन सबसे ज्यादा इसमें तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका, फिर इसके बाद इसका बॉन्ड एंगल, फिर इसके बाद CH4 का एंगल। ठीक है, डेटा बता दो तो 109 107 104 डिग्री होता है इसका। ठीक है, आपको डेटा नहीं याद रखना, हम उसके याद करें कैसे कंपेयर करें। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो सबका सेंट्रल आइटम देखो, एक NH2 नेगेटिव है, ये NH3 एक लोन पेयर है, और बेटा यहाँ पे NH4 पॉजिटिव है। देखो तीनों के सेंट्रल आइटम का एडिशन क्या आएगा? sp3 sp3 sp3। ठीक है बेटा, तो देखो तीनों sp3 तो कंपेयर ये वाले मेथड से कर ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या सिंपल फाइंड करेंगे कि किसके पास कितने लोन पेयर है। इसके पास जीरो लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इसके पास एक लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, जिसके पास दो लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर रिपल्शन। अभी मैंने बताया कि रिपल्शन ज्यादा तो एंगल कम, तो इसलिए इसका एंगल सबसे कम और इसका एंगल सबसे ज्यादा, सिंपल है। अब सेकेंड केस देखो क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो अगर सेंट्रल एटम सेम है, देखो OH2 OF2, देखो ये जो लिखा है सेम है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सेंट्रल एटम अगर सेम है, देखो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम सेम है दोनों के पास, और सेंट्रल एटम के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है। देखो इसके पास भी दो लोन पेयर है, 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 बट सराउंडिंग एटम क्या डिफरेंट है? यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम फ्लोरिन है। देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है और यहाँ पे सराउंडिंग एटम बेटा फ्लोरीन है ना बेटा। अब एक बात समझना, फिर कैसे कंपेयर करेंगे कि देखो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है? sp3। इसका भी हाइब्रिडेशन आएगा sp3। इसमें भी बेटा लोन पे रिपल्शन है, इसमें भी लोन पे रिपल्शन है, तो अब कैसे कंपेयर करें? अब हम कंपेयर करते हैं सराउंडिंग एटम को देख के। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, एक इंसान है वो क्या करता है, हमेशा ना प्रॉब्लम को अपनी तरफ खींचता है। बेटा प्रॉब्लम को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो वो अपने लिए क्या क्रिएट करेगा? प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, है ना। तो अगर आपको खतरों से खेलने का शौक होता है, अगर आप प्रॉब्लम अपने पास खींचते हो तो क्या होगा बेटा? आपकी दिक्कत बढ़ेगी, आपकी लाइफ में रिपल्शन बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। वैसे बेटा देखो फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, और फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर भी होते हैं। यहाँ पे याद है कि नहीं, फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 17 ग्रुप का एलिमेंट है ना, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तीन लोन पेयर होते हैं। अब ये वाइजा फ्लोरीन आपको तो पता है मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है, तो ये बोले क्या करता है फ्लोरीन? ये फ्लोरीन इस लोन पेयर को अपने पास खींचता है। ठीक है, आप देखो बेटा अगर ये लोन पेयर को अपने पास खींचेगा तो यहाँ पे लोन पेयर अगर इस बॉन्ड के पास में आएगा तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पे रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे रिपल्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको तो मजा आ रहा है इलेक्ट्रॉन को खींचने पर, इसको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन में खींचूंगा तो यहाँ पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, वो रिपल्शन बढ़ने से वापस से एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हाइड्रोजन तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो उतना लोन पेयर खींचेगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उतना ज्यादा वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास खींचेगा, और जितना ज्यादा वो खींचेगा बेटा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन, और रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका? कम। तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल बढ़ा किसका होगा? OH2 का, मतलब वाटर का। ठीक है, याद रखना है, मतलब सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। तो रिलेशन याद रखना ऐसे वाले केस के लिए। ठीक है, अब ये देखो बेटा NH3 और NF3 में कंपेयर करना है, तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो सिंपल कंपेयर कर लिया कि इसमें हाइड्रोजन है तो ये कम खींचेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, करके दिखाता हूं मैं, ये देखो नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले केस में एक नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर और तीन फ्लोरीन है बेटा। अब देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रो, देखो यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है और यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, इसके पास भी एक
आपके पास लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, ठीक है। बट एक बात समझो बेटा, ये जो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन है, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ये भाई साहब खींचेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ जाएगा, और रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम से NH3 बॉन्ड एंगल ज्यादा। बट बेटा अगर आपको PH3 और PF3 में कंपेयर करना हो तो कभी भी गलती से PH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा मत लिखना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो PH3 होता है, देखो हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हम कि जो PH3 होता है बेटा, PH3 ड्रैगोस कंपाउंड है, ये हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो नहीं करता। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? वेरी गुड, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। तो बेटा हमेशा ये 8 कंपाउंड हमेशा याद रखना बॉन्ड एंगल में, बिकॉज ये कभी भी बीच में आ सकते हैं। देखो PH3 तो ड्रैगो रूल फॉलो नहीं करता, तो PH3 में बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री के आसपास। PF3 ड्रैगो रूल वगैरह कुछ फॉलो करता नहीं है, तो ये भाई साहब क्या होगा, हमारा नॉर्मल कंपाउंड। तो SP3 मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, बेटा 109 और 90 में ज्यादा कौन है? PF3। तो हमेशा याद रखना PF3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज्यादा। क्यों? बिकॉज PH3 स्पेशल केस है, ड्रैगो कंपाउंड है, और ये हाइब्रिडाइजेशन के रूल फॉलो करता नहीं है, अंडर हाइब्रिडाइजेशन के जाता भी नहीं, ये अपने प्योर पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है इसका 90। वेरी गुड। अब देखो OF2, OCl2, OBr2, OI2, ठीक है बेटा। अब एक बात समझना, OF2, OCl2, OBr2, OI2, मैं आपको दो केस देता हूँ। देखो बेटा क्या होगा, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे दो पतले लड़कों को मैंने ऐसे लटका दिया है, वो दोनों आसपास हैं, और ये दोनों एक दूसरे को उतना रिपल नहीं करते, क्योंकि पतले पतले से हैं तो उनके पास खूब सारी स्पेस है लटकने के लिए। बट सेम पॉइंट से मैं क्या करूं, मोटे मोटे लड़कों को लटका दूं, मोटे मोटे लड़कों को, मोटे मोटे लड़कों को, तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो इनका साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा होगा तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को हम बोलते हैं बेटा स्टेरिक रिपल्शन। जो साइज की वजह से रिपल्शन होता है उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, अगर मैं ये सारे स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ब्रोमीन ब्रोमीन, और ऑक्सीजन आयोडीन आयोडीन, ठीक है। अब आपको भी ये तो पता ही है कि देखो बेटा, यहां से यहां पे जाने पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइज क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग आइटम उसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब फ्लोरीन इतू है तो आयोडीन इतू बड़ा है, ठीक है। तो बेटा आयोडीन का साइज बड़ा है, मतलब दो अगर इतने बड़े बॉल्स को मैं एक स्ट्रिंग से बांध के रखूंगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या होगा, बड़ा। बट अगर दो यहाँ पे देखो, ये जो कैप है ये एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये जो कैप है एक आयोडीन का मॉलिक्यूल, सपोज ये बहुत बड़े, तो ये दोनों कैप एक दूसरे में आयोडीन का मॉलिक्यूल दूसरे को क्या रिपेल, और रिपेल करने पर यह एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में शेरिक रिपल्शन है, तो एंगल क्या होगा, बढ़ गया। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर जो सराउंडिंग एटम उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वहां पे स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है? स्टेरिक रिपल्शन। उसी स्टेरिक रिपल्शन के वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। फिर OBr2 का, फिर OCl2 का, OF2 का, OBr2 की उसके बाद, क्योंकि ब्रोमीन का साइज Cl से बड़ा है तो यहाँ पे यार रिपल्शन। Br से ज्यादा आयोडीन का साइज क्यों बड़ा है, आपको पता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा की वजह से एंगल क्या होगा, बढ़ गया। तो हमेशा याद रखना एक बात कि स्टेरिक रिपल्शन लोन पे रिपल्शन से क्या होता है, ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो स्टेरिक रिपल्शन होता है वो लोन पे रिपल्शन से डोमिनेट करता है। देखो अब वैसे देखो, वाटर और ईथर, ROR, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। अब देखो बेटा, OH, HO, RR, ये R एनी अल्काइल ग्रुप, ये ऑर्गेनिक में आपको बताऊंगा, यहाँ एक लोन पर है, यहाँ एक लोन पर है, यहाँ एक लोन पर है, यहाँ एक लोन पर है। भाई R क्या होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं, तो बल्की ग्रुप मतलब इनका साइज बड़ा है, तो ये इधर उसको ज्यादा रिपेल करेंगे, ज्यादा रिपेल करेंगे तो इनमें बॉन्ड एंगल क्या हुआ, ज्यादा। क्योंकि इस वाले केस में स्टेरिक रिपल्शन क्या हुआ, ज्यादा, तो इसलिए ईथर में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वाटर से, आपको याद रखना है। वैसे देखो ओ, अब देखो इसमें क्या है कि ये वाला कौन सा केस है, कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर एंड सराउंडिंग एटम इज सेम बट द सेंटर एटम डिफरेंट। मतलब क्या है कि सराउंडिंग एटम भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, बस क्या है सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो ऐसे केस में कैसे कंपेयर करोगे, बहुत सिंपल होता है। देखो कैसे कंपेयर करना है, देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे, दो फ्लोरिन है,
यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे दो फ्लोरीन है, और दोनों के पास कितने लोन पेयर हैं? वेरी गुड, दो दो लोन पेयर हैं। ठीक, अब यहाँ पे भी क्या होगा? लोन पे रिपल्शन है, यहाँ पे भी लोन पे रिपल्शन है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसके पास भी दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है। इसके सराउंडिंग एटम भी फ्लोरीन है, इसका सराउंडिंग एटम भी फ्लोरीन है। सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट क्या है? सेंट्रल एटम डिफरेंट है। अब एक बात समझो बेटा, ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? वेरी गुड, ऑक्सीजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सल्फर। तो बेटा अगर फ्लोरीन को ऑक्सीजन के पास से अगर लोन पेयर खींचने हैं तो वो किसके पास से आसानी से खींच सकता है? सल्फर के पास से। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। तो उसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। तो फ्लोरीन क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचेगा, क्योंकि यहां से तो ज्यादा खींच नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ खींचेगा? इस वाले केस में। और बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से खींचेगा तो यहाँ पे भी रिपल्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और रिपल्शन बेटा अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा? कम। और OF2 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा। सिंपल है, तो बहुत सिंपल याद रखना कि क्या होता है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन ज्यादा लोन पर अपने पास खींच पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ गया तो एंगल कम, इसलिए OF2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है एज कम्पेयर टू SF2। सिंपल है, याद रखना मुझे। वैसे NH3 PF3 में देखो sp3 sp3 दोनों क्या है? वेरी गुड, कंपेयर कर सकते हो आराम से, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको अगर चेक करना है कि सीक्वेंस में जाना है तो देखो इस तरीके से चेक कर सकते हो आप। ये दो क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना आप अपने से, पहले आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन सेम है कि नहीं, उसके बाद चेक करो लोन पेयर सेम है कि नहीं, चेक करो सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं, फिर चेक करो सेंट्रल एटम चेक है, मतलब सारे जो केस हैं आपको उसको सीक्वेंस में चेक करना है, और जो आपका क्वेश्चन जिस टाइप में फिट करता है उसको आप उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, अब ये बेंट रूल हम आगे वाले केस में पढ़ेंगे, बेंट रूल क्या होता है, फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ डिस्कस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं। तो मेक श्योर बेटा आप ये क्वेश्चंस अच्छे से करो प्रैक्टिस, ताकि आपको अच्छे से पता चले किस तरीके से बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं। और ड्रैगो रूल हमेशा याद रखना है आपको, ड्रैगो रूल कभी नहीं भूलना है, कि इंच 8 कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या होता है इनका? 90 होता है। और ये जो हमारे अभी अभी जितने केस थे ये सारे केस याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखो कि परसेंटेज एस्केलेटर बॉन्ड एंगल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो हमको पहले से पता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस्केलेटर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम उस मॉलिक्यूल में उतना ज्यादा परसेंटेज एस्केलेटर होता है। ठीक है, और जितना ज्यादा परसेंटेज एस्केलेटर तो उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। ये वैसे अपने सिलेबस में कभी पूछा तो है नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, स्पेशल केस एक टाइप का। ठीक है, और ये याद रखना जैसे PF3 PO F3 SO2, ये आप ये वाले क्वेश्चन आप करके देखना है। ठीक है, ये जो तीनों ऑर्डर हैं, ये तीनों ऑर्डर आपको खुद से अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करें नीचे कि इसमें आपको क्या नहीं समझा। एंड ये जो केस है बेटा, ये केस हम तब समझेंगे जब हम लोग रेजोनेंस समझ लेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना कि SiO4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, इनके स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। और इनमें क्या होता है बेटा कि रेजोनेंस की वजह से सारे की सारी बॉन्ड लेंथ सेम हो जाती है, और इन सबकी ज्योमेट्री क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। और ज्योमेट्री आइडेंटिकल होती है तो उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम तो बॉन्ड एंगल भी सेम हो। सराउंडिंग एटम देख सकते हो, सबके सराउंडिंग एटम क्या है? सेम। और सेंटर एटम के पास एक के बाद भी लोन पेयर नहीं है, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, तो इस सबके बॉन्ड एंगल क्या होंगे? सेम, sp3 मतलब 109 डिग्री। सिंपल है। और ये बेंट रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले आप पहले ये एग्जाम्पल करना, ये दोनों एग्जाम्पल भी आपको नोट्स में लिखना है। ये वाला एग्जाम्पल अभी मत लिखना, पहले बेंट रूल पढ़ेंगे उसके बाद ही लिखेंगे, बट मेक श्योर कि आप ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल नोट्स में लिखो। और आपको सारी वीडियो बेटा सिक्वेंस में फॉलो करनी है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूँ अच्छे से देख लो। एंड मेक श्योर कि आप सारी वीडियो फॉलो करो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही खत्म होगा इसकी सीरीज, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।